किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और जैविक खेती की मेरी दुनिया में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अमेजिंग किसान चैनल। किसान भाइयों, आप बात कर रहे होंगे कि मैंने जो अपने अमरूद के बाग की 3, 4, 5 फरवरी को कटिंग की थी, उसके बाद में मैंने कोई वीडियो नहीं देखा। लगभग 1.5 माह बीत चुका है और मैं आप आज को ये दिखाता हूँ कि उस कटिंग का क्या फ़ायदा हुआ। और अब उसमें कटिंग के 1.5 माह बाद अगर आपका 1 माह के बाद भी इस तरह के कल्ले फूट आते हैं तो क्या काम करना है, आइए आप देखते हैं। इस बाग में मैंने कटिंग के बाद में मैंने जब इसमें अच्छी तरह रोटावेटर चलाया तो पूरी घास साफ करा दी थी मैंने और इसमें उड़द भी बो दिए, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, गलती हो गई। मैंने कहा खेत पानी मांग रहा है और इस टाइम अमरूद को पानी की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कल्ले तभी अच्छी तरह से चलेंगे। तो मैंने पानी दिवा दिया और उसमें मैंने ये छोड़ दिया कि जितने भी उड़द होंगे ठीक है, नहीं तो मेरा बाग स्वस्थ रहना चाहिए। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें किस तरह के कल्ले फूटे हैं और अब उसमें क्या काम करना है, आइए देखते हैं अमरूद का बाग। तो मैं इसमें 2 प्रकार के पौधे दिखाऊंगा, एक जिनकी कटिंग की थी और जो दूसरे मैंने रिप्लेस किए थे, और उनमें मैं क्या काम करूंगा। अब आप ध्यान से देखिए, देखिए ये पेड़ है एक, इसमें ध्यान से देखिए कि इस तरह से कल्ले आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ से थोड़ा मुश्किल से है ये वाला जो है ना, ये कल्ला देखिए, ये यहाँ पे है, ये है, इनको मैं रखूँगा। और इसके बाद मैंने ये इनको साफ़ कर दिया है, यहाँ से कोई कल्ला मैंने नहीं छोड़ा है, इसकी जड़ में से इसको साफ़ कर दिया, क्योंकि नीचे का नहीं रखना है। और इन ऊपर में से भी जब थोड़े बड़े हो जाएंगे मैं चुनाव करूँगा। ये देखिए इस पौधे में कितने अच्छे कल्ले आ रहे हैं, ये देखिए कितने कल्ले आ रहे हैं, ये देखिए। अब आप देखिए कि इसमें मैं सब जो नीचे वाले कल्ले हैं इन सबको हटा दूँगा। ये काम मेरा आज नींबू का काम करने के बाद में जो मेरे खेत पर मजदूर हैं लग रहे हैं वो करेंगे, ये देखिए। तो मैं इसका कैनोपी का निर्माण करूँगा इसमें, तो जितने भी मेरे ये पौधे हैं ये इसे यहाँ से ये सब हटा दूँगा। चूँकि क्या होता है कि ये पौधे भोजन की मात्रा काफ़ी लेते हैं, और भोजन की मात्रा लेने में देखिए इस पर मैंने हटा दिया है, और मैं इन सिर्फ ये जो 2 डंडी हैं इनको ही चलाऊँगा। ये पौधा मैंने बाद में लगाया था नया, देखिए इसमें भी ध्यान से देखिए कि इसमें भी कल्ला चल गया है, ये आप ध्यान से देखें तो ये इसमें कल्ला चल गया है, और इसमें ये देखिए ये फुटान हो रही है, यहाँ पर ये फुटान हो रही है, ये देखिए अगर आप ध्यान से देखें क्लोजअप में मैं दिखाऊंगा, ये यहाँ पर फुटान आ गई है। तो इसको भी मैं यहाँ से ये 1-2 कली और होंगी इसको काट दूंगा और ये बड़ा होगा, और इसकी आज पन्नी भी हटाऊंगा, क्योंकि इसको देखिए कितनी अच्छी फुटान है, ये देखिए कितनी अच्छी फुटान है। और ये नीचे के मैं सब इसको उड़ा दूंगा, ये मुझे कुछ नहीं रखना है, ये देखिए ये सब मैंने साफ़ कर दिया है। तो अब ये सिर्फ इतना रहेगा और मैं इसे ऊपर से ही कैनोपी का मैनेजमेंट करूँगा। इसी प्रकार ये देखिए कितना स्वस्थ पेड़ है, देखिए ये कितना स्वस्थ पेड़ है और कितनी इसमें फुटान आई है पानी देने के बाद, देखिए। तो इसमें भी मैं इसी प्रकार आज इनको ट्रेंड करूँगा कि भाई इसको शाम को इनको सबको साफ करें, और कितना मजबूत अच्छा पेड़ है, ये लगभग 8 महीने का पौधा है, और ये देखिए छोटा सा कितनी अच्छी फुटान हो रही है। तो इनको सबको मैं अब ये काम करूँ, किसी भी पौधे को देखिए देखिए कितनी अच्छी फुटान चल रही है। और भी अच्छी होती यदि पिछले 2 सप्ताह में 2 बार, जब से 3 बार बारिश हो चुकी और उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, जितनी गर्मी आएगी उतनी ही फुटान अधिक होगी। आप देखिए कितनी अच्छी फुटान चल रही है, ये देखिए ये इस पौधे को देखिए। अब ये जो है ना, ये मेरा नीचे का जो हिस्सा है नीचे का, इस सब को मैं तोड़ दूँगा, ये देखिए साफ़ कर दूँगा। चूँकि कहते हैं कि पौधे में 90% जो एनर्जी है, जो भोजन है वो उसके ग्राफ्टिंग से नीचे वाली है वो ले जाती हैं, तो जो फालतू हैं उनको हटा दीजिए। बहुत अच्छी तरह से चुनाव करना है आपको और पौधे को चलने दीजिए, जितनी देखभाल करेंगे उतना ही आएगा।
तो ये मैंने इसमें मंगलवार को पानी दिलाया था, क्योंकि पानी मांग रहे थे और ये इस प्रकार डंडी लगी हुई है। तो कोई भी पौधा देखे, देखे कितनी अच्छी फूट आना है इसमें, ये देखिए, ये देखिए, तो इस प्रकार ये मैंने आपको दिखाया। और जो आपके जो मैंने पौधे नए लगाए थे, जो मेरे पन्नी न काटने की वजह से हो गए थे, देखिए कितने अच्छे चल रहे हैं। इनकी मैं आज अभी एक सप्ताह बाद और कटिंग करूँगा, जब इनमें थोड़े से कल्ले फूट जाएंगे, आ जाएंगे। पौधे हरे हैं, स्वस्थ हैं, तो मुझे कोई चिंता करने की बात नहीं है। और उस दिन अभी जो बाद में लगाए थे, इनकी आज मैं पन्नी हटाऊँगा। जो मैंने 4 फरवरी को लगाए थे, उनकी मैंने पन्नी हटा दी थी। और इस प्रकार ये मैं आपको अगले 15 दिन के बाद फिर इसकी स्थिति दिखाऊंगा। तो ये था मेरा जो अमरूद की पहली कटिंग के बाद की स्थिति। आपके कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल लिखिए और मेरे से बात करिए।